अभी मैं रेडी हो गई हूँ। पानीपुरी खाने का मन कर रहा था। जब हम लोग छोटे थे तो ये वाला बिस्कुट बहुत खाते थे। ये वाला बिस्कुट। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज का मौसम कुछ इस तरह दिख रहा है। मुझे तो लग रहा है कि मौसम ठीक ठाक है, बारिश नहीं है। एटलीस्ट 4-5 दिन के बाद बारिश कम हुआ है। सो आज मेरा मास्टर्स का एग्ज़ाम है। अभी मैं एग्ज़ाम देने के लिए निकल रही हूँ। बेटी को दे दिया है, अभी वो स्कूल गई है। एंड नाउ आई एम गेटिंग रेडी, ऑलमोस्ट रेडी हूँ मैं। सिर्फ बाल वाल थोड़ा बनाना है एंड बाहर जाना है। सो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं एंड स्टे ट्यून। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, अभी मैं निकल जाऊँगी एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। पता नहीं आज एग्ज़ाम में कैसा दिन जाएगा, क्योंकि आज क्या है ना, ज़्यादा गर्मी लग रहा है। आई थिंक बहुत दिन बारिश होने के बाद अचानक से जो धूप निकलती है ना, वो रियली मेक्स यू एग्जॉस्टेड। और ऐसा वो नहीं है कि एकदम कड़क सा धूप निकला है, लेकिन ऐसा धीमी धीमी धूप जो होता है ना, उसके साथ क्लाउडीनेस भी, ये वाला बहुत एग्जॉस्टेड बनाता है। वन मोर थिंग गाइज, आप लोगों को शायद लग रहा है कि मैंने अचानक से हिंदी में क्यों स्टार्ट किया है। सी, हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज एंड वी ऑल ऑलमोस्ट कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर स्पीकिंग। क्या होता है ना, बहुत भी है तो जस्ट रिक्वेस्ट मी कि प्लीज़ स्पीक इन हिंदी, बिकॉज हम लोग को बंगाली समझ में नहीं आता है। सो व्हाट आई विल डू, आई मीन मैं ट्राई करूँगी फिल्म को मिक्स करके बात करने के लिए। आई विल डू ऑल्सो इन बंगाली, बट आई विल ट्राई टू स्पीक इन हिंदी ऑल द टाइम, सो दैट मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट, उनका जो अर्ज है वो रखना चाहिए एटलीस्ट, ये तो बनता है। ओके, ज़्यादा देरी ना करके टाटा। मौसम तो अच्छा ही लग रहा है, सोचा था कि बहुत गर्मी लगेगा, लेकिन अभी तो ठीक ठाक ही लग रहा है। अभी मैं निकल रही हूँ अपनी गली से। तो मैं पहुँच गई हूँ मेरे एग्ज़ाम सेंटर पे, विच इज़ जीसी कॉलेज। ये एंट्रेंस है, सो अभी जाके ढूंढना पड़ेगा सीट वगैरह। सो लेट्स सी। एक्चुअली पहले उन लोगों का अंदर का एक बिल्डिंग था, वहाँ पे था। इस बार उन लोगों ने इसको शिफ्ट करके ये सामने वाले बिल्डिंग पे ले आ गए। तो ये नया है, इसलिए इसको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। ये वाला बिल्डिंग पे मेरा सीट है। सो फाइनली आई एम डन विथ माई एग्ज़ाम। अच्छा ही था पेपर। अभी निकल के ना इतना ज़्यादा पानीपुरी खाने का क्रेविंग हो रहा है। यहाँ पॉइंट पे एक अंकल बैठते थे, पता नहीं आज क्यों नहीं है। सो लेट्स सी, इतना क्रेविंग हो रहा है। पानीपुरी खाने का मन कर रहा था, पर पता नहीं आज यहाँ पे कॉलेज के सामने पानीपुरी अंकल नहीं बैठे। वो बहुत मतलब टेस्टी बनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और इस मौसम में मुझे पता नहीं क्यों बहुत क्रेविंग हो रहा है। लेट मी सी, कहीं मिल जाए तो। अभी मैं पॉइंट तक जाऊँगी, शायद मिल जाएगा। लेट्स चेक। आप लोगों को पता है, एक भी पानीपुरी वाले भैया नहीं मिले, ना पॉइंट पे मिले ना कॉलेज के सामने मिले। पता नहीं शायद उन लोगों ने उनका टाइम चेंज कर लिया होगा, क्योंकि दोपहर को 12:30 बज रहा है। ऐसे तो हर वक्त मिलते हैं, या फिर 2-3 दिन बारिश हुआ इसलिए। लेट्स, इससे अच्छा है मैं अभी घर ही चली जाऊँ। आई एम सो अपसेट। फाइनली एक पानीपुरी भैया मिल गए फर्स्ट लिंक रोड के सामने। बस यही मैं उतर गई। पता नहीं इतना क्रेविंग हो रहा था, वो इतना ठीक ठाक नहीं था, फिर भी चला लिया मैंने। ज़्यादा मन हो रहा था तो सोचा खा के आ जाती हूँ, क्रेविंग को मिटाना था। अभी मैं आ गई हूँ, मेरी गली में घुस गई मैं। घर पे जाऊँगी तो जाते वक्त अचानक से मुझे ये रिमाइंड हुआ, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था और दुकान से थोड़ा सामान भी लेना था। तो बस वाओ, क्लाउड इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। तो बस मैंने दुकान से थोड़ा छोटा मोटा सामान उठा लिया। अभी घर चली जाऊंगी। सो फाइनली आई हैव रीच्ड होम। और घर में घुसते ही जो पहला मेरा काम था वो है विंडोज़ वगैरह खोल के देना, क्योंकि बहुत अच्छे से एक धूप निकला है, अच्छा लग रहा है। और बाहर की हवा जब तक घर में नहीं आता है अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैंने फैंटा पिया है एंड सुबह सुबह जल्दी जल्दी में थी, कुछ भी अच्छे से ठीक ठाक करके नहीं रखा। सब कुछ मैंने अभी ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, मेकअप वगैरह सब किड्स को घुसा के अच्छे से रखा। एंड फाइनली आई केम टू माय किचन। अभी खाना वाना पकाना है, बेटी भी स्कूल से आ जाएगी। सो ये किचन का स्पेस जो है वो ठीक ठाक कर रही हूँ क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में थी और ठीक ठाक करके नहीं जा पाई। सो अरेंजिंग ऑल माय स्टफ्स। अभी मैं फ्रिज से ये ऐश कोड निकला लूँगी। लोगों में से कौन कौन क्या बुलाते हैं इसको, प्लीज़ लेट मी नो। मैं तो भाई इसको पिंगौली में हम लोग इसको कुमड़ा बुलाते हैं, चाल कुमड़ा जो बोलते हैं ना उसको। सो आई थिंक द पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियो आई थिंक उनको पता होगा एटा के हमें चाल कुमड़ो बोली। बट आप लोग इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं, आई डोंट नो। ये बॉटल गोर्ड तो नहीं है, बट येस आई विल डेफिनेटली बट आई विल एडिटिंग माई वीडियो, मैं उस वक्त इसका इंग्लिश वाला नाम दे दूँगी। बट हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। सो टुडे इन लंच आई एम गोइंग टू मेक फिश करी विद दिस। मछली को थोड़ा भिगा के रखना है, सारा तो नहीं यूज़ करूँगी, आई विल यूज़ थोड़ा सा यहाँ से उठा लूँगी। सो इसके साथ पकाना है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। वगैरह सब साफ़ कर रही हूँ, सुबह इतना जल्दी में थी और एकदम टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे भी जाना था, बेटी को भी जाना था। अदरवाइज़ आई यूज़ टू फिनिश ऑल माई स्टफ्स अर्ली मॉर्निंग, लेकिन आज तो टाइम नहीं मिला। तो एनीवेज ख़त्म कर रही हुई है। तो अच्छे से वॉश किया है मैंने एंड अभी मैं इसको रख दूँगी। बाद में इसको पीस करने के बाद मैं वॉश नहीं करूँगी क्योंकि उस वक्त वॉश करने से सारा वो जो सब्ज़ी का जो एक असली वो जो होता है ना टेस्ट होता है वो चला जाता है मेरे ख्याल से। तो इसको पहले अच्छे से धो के मैं अभी रख दूँगी एंड देन इसको थोड़ी देर बाद पीसेस कर लूँगी। ये मछली मैंने उठा लिया है, बस इन्हीं से इसको अभी अच्छे से पका लूँगी। शायद मैं ये पूरा वाला ना दूँ क्योंकि ये पूरा होने से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैं और मेरी बेटी है सिर्फ। सो आई थिंक आई एम गोना यूज़ इट हाफ। हेलो, एग्ज़ाम कैसा था? अच्छा था। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। हम भी जल्दी जल्दी आ गए। अभी इसको भी खाने का मन हो रहा है, पता नहीं आज सारा जंक फूड एक साथ जीत रही हूँ। एनीवेज आलू भुजिया मेरा बहुत फेवरेट है। मुझे पता नहीं क्यों वो चनाचूर वगैरह होता है ना वो इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये भुजिया आई एम सो फॉन्ड ऑफ इट। मेरे साथ कौन कौन ये भुजिया खाएगा? अभी फ़िश को फ्राई करना है तो इसके लिए मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ अच्छे से एंड देन आई विल फ्राई। इसको ऐसे क्यूब करके मैंने पीसेस कर लिया है और पूरा दे दिया है, हाफ नहीं दिया है क्योंकि पीसेस करने के बाद ऐसा लग रहा है कि कम हो जाएगा। तो फाइनली करी इज़ डन। और अभी नहा धो के नमाज वमाज पढ़ के आई हूँ। अभी बेटी को अच्छा नहीं लग रहा है, उसका तबीयत ठीक नहीं है और मुझे बोल रही है कि उसको खाना खिला के दो। बस अभी उसको खाना खिलाया, फिर मैंने खाया। और अभी ये वाला चीज़ ये क्या है, ये मैंने फूडी भैया पेज से मंगवाया है। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी उनका इंस्टाग्राम पेज फॉलो करके मंगवा सकते हो। दिस इज़ अमेजिंग, ये इतना टेस्टी है, बाप रे बाप, आई जस्ट लव इट। आई कैन नॉट इमेजिन गाइस ये कितना टेस्टी है। आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खट्टा मीठा वाला बेर का अचार है और बहुत ही टेस्टी से बनाया है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। नाउ इट्स इवनिंग और चाय तो बनता है भाई, चाय के बिना ये शाम अधूरा है। सो अभी चाय बनाने की तैयारी में आए हैं हम। पैकेट में से दूध को निकाल के बॉक्स में रख रहे हैं। सो आई एम रेडी विथ माई टी। और मुझे ना चाय थोड़ा मस्का लगा के बनाने में अच्छा लगता है। डाल रहे चाय की पत्ती एंड इसको उबालने देंगे। इसमें थोड़ा सा दूध गर्म कर लेंगे तो वो अच्छा लगता है, चाय के साथ थोड़ा सा दे देंगे। अमूल ताजा का पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ पाउडर दूध से कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, वो एक कड़क बनाता है ना इसलिए। जस्ट अभी अभी ये लाई हूँ, ये बहुत पुराना है, जब हम लोग छोटे थे तो ये वाला बिस्कुट बहुत खाते हैं। ट्राई करते हैं मेरी बेटी को कौन सा अच्छा लगता है। मैं इसे एक तोड़ूंगी, एक तोड़ के खाऊंगी। ना आई विल एन्जॉय टी विथ माई डॉटर। और उसके बाद उसको लेके पढ़ाई पे बैठना है। ये वाला खाएंगे। लेट्स ट्राई दिस वन टुडे। सो लेट मी एन्जॉय माई टी एंड आज का वीडियो इतना तक। अगर अच्छा लगा तो शेयर सम लव और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अल्लाह।